नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीएन फौजी बलोच में। तो आज मैं बात करने वाला हूं बिहार सिविल कोड के बारे में। तो बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो तैयार हो जाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें ताकि टाइम टाइम पर आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छे से जानकारी आपके पास आता रहे। और लाइक शेयर भी करें ताकि और लोगों के पास मेरी जानकारी जा सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ बिहार सिविल कोड के बारे में। बिहार सिविल कोड में ग्रुप सी के लेवल पर बहुत सारी भर्तियाँ निकली हैं, मतलब बहुत सारे बोला जाए तो बम्पर भर्ती भी बोल सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन की शुरुआत 20 सितंबर से होगी। 20 सितंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर 2022। तो एक महीने का आपके पास टाइम है, एक महीने में आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी पोस्ट कितनी है, मतलब वैकेंसी। इसमें 7692 पोस्ट निकला है। इसमें से क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, कम डिपोजिशन राइटर और चपरासी के निकला है। तो अब मैं बात करता हूँ किन किन पोस्टों में कितनी कितनी वैकेंसी निकला है इसके बारे में बात करता हूँ। तो स्टेनोग्राफर का जो है वो निकला है 1562, अब कलर का 3225 और कोर्ट रीडर का 1132। तो अब हम बात करते हैं इसकी आयु प्लस क्वालिफिकेशन की। तो आयु की गणना जो है मेरे दोस्त 1/9/2022 से किया जाएगा। तो 1/9/2022 को मिनिमम इसका एज जो है 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 37 साल एज रखा गया है, और महिलाओं के लिए 18 से 40 साल एज रखा हुआ है। तो क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में एज आपका है 18 से 37 साल, और जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और महिला के लिए 40 साल। और स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसका भी एज 18 से 37 होना चाहिए और उसमें टाइपिंग नॉलेज भी होना चाहिए। टाइपिंग नॉलेज में आपको इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और कोड रीडर के लिए भी योग्यता जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें भी टाइपिंग नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज दोनों होना चाहिए। और चपरासी की बात करें तो उसका एज जो है 18 से 37 होना चाहिए और कोड रीडर का भी एज जो है 18 से 37 होना चाहिए। और जो चपरासी का जो क्वालिफिकेशन है उसमें 10वीं पास मांगा है। तो इसका एज के बारे में आप समझिए। और इसमें जो एससी का जो है 5 साल का छूट है और ओबीसी का जो है 3 साल का छूट दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को, बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, उसमें भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। कोर्ट रीडर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कोर्ट रीडर का मतलब होता है जो कोर्ट के अंदर में जज के पास में जो एडवोकेट को बुलाया जाता है उसे कोर्ट रीडर कहते हैं। मतलब साधारण भाषा में आप ये समझिए कि कोर्ट के अंदर से जो वकीलों को बुलाया जाता है माइक के थ्रू, उसको कोर्ट रीडर कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन की एक बात करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फी है जनरल बीसी ईबीसी के लिए 600 और एससी एसटी के लिए 300 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका 7 पे कमीशन के अनुसार मिलेगा, जो हो इस तरह है 25,500 से लेकर 21,100। इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि पीए मेडिकल अलाउंस और डीए भी ऐड किया हुआ है। तो ले देगा आपको 30 से 35 हज़ार रुपये तक जाएगा। पेमेंट भी अच्छी खासी है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका सिलेक्शन की बात करें तो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब प्रारंभिक एग्जाम। फिर उसके बाद होगा आपको रिटर्न एग्जाम, मतलब लिखित परीक्षा। परीक्षा का जो सिलेबस है मैं ये बताता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग पर आधारित होंगे। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ निष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसका पास मार्क की बात करें तो 40% आपको पास मार्क है, 40% लाएंगे तो आप समझिए आगे का प्रोसीजर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों के पास आपको वीडियो जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।